सो यहाँ से एकदम स्ट्रेट जाएंगे ना तो मेरा स्कूल आता है, तो हम वॉकी वॉकी करके जा रहे हैं। मैं इबू को उसकी माँ को स्कूल छोड़े जा रहा हूँ। यू नो वॉट एक्चुअली वाई आई एम शूटिंग दिस, बिकॉज अगर मैं बुढ़ी हो गई या ये हो गया तो मैं स्कूल यहाँ पे तो आ नहीं पाऊंगी ना, तो वीडियो देख के आई विल बी सैटिस्फाइड। यू नो एक्चुअली वाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो, बिकॉज मैं कल को बुढ़ी हो गई या मेरा कोई चांस नहीं रहा जीने का, समथिंग लाइक दैट। सो यू नो एटलीस्ट मैं यहाँ पे ये वीडियो शूट करके ना आई विल सी दैट एंड आई विल बी सैटिस्फाइड एंड बचपन के दिन जी पाऊँगी। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। यू नो ये स्ट्रीट से मैं ऐसे स्कूल बैग लेके ना वॉक करके जाती थी, सो आई एम लाइक मैं बहुत ऐसे ये हो गई, इमोशनली हो गई अभी थोड़ी देर के लिए। सो इट्स लाइक स्कूल डेज आर ऑलवेज स्कूल डेज एंड आई मिस दोज डेज अ लॉट। सो बेसिकली हम तो ट्रेन से जाया करते थे यहाँ से, बट कभी कभी बस स्टॉप पे यू नो आई हैव टू वेट फॉर माई मदर और सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। तो ये वाला जो बस स्टॉप है वहाँ पे आई यूज टू सिट एंड वेट फॉर माई मम्मा। सो फाइनली माई स्कूल इज यू। ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, शायद रेनोवेशन के लिए जा रही है, बट दिस इज माई स्कूल। सो योर इज माई स्कूल, ओ माई गॉड। ये वो गेट है जहाँ पे मैं खड़ी रहती थी एंड आई यूज टू वेट। वो पकड़ ले इसको, आई यूज टू वेट, पता है दैट इज़ एंट्रेंस ऑफ माई स्कूल। एंड यहाँ पे ये जो प्लेसमेंट है ना, यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह होते थे। सो ये मेरा स्कूल है, यहाँ से मैं ऊपर जाया करती थी, गणपति बप्पा मोरिया। ओ माई गॉड, दिस इज़ आर बेसमेंट। तो स्कूल छुट्टी थी तो हम यहाँ पे आते थे और यहाँ पे फैंसी ड्रेस वगैरह होता था, वहाँ पे हॉल वगैरह था, तो वी यूज टू कम डाउन हियर। का एक फ़ोटो भी है यहाँ पे, वो जोकर बना था एंड वो फ़ोटो क्लिक किया था मम्मी ने यहाँ पे साइड में। ओ माई गॉड, दिस ऑल ओल्ड मेमरीज। माई चाइल्ड इज सिटिंग हियर, आई एम सो हैप्पी। अरे जस्ट लाइक आई एम हैप्पी टू सी माई स्कूल। तो ये वैसे का वैसे ही है स्कूल, हम लोग वहाँ से छूटती थी ये लेन से और हम अंदर से बाहर आते थे। ओ माई गॉड। सो ये गणपति बप्पा रोज हम इनके पैर पड़ते थे और फिर ये सीढ़ियों से ऊपर स्कूल में जाते थे। आई एम सो हैप्पी। एंड वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ही है ना, और ये रहता था रसीद फीस वगैरह भरने का, सो वी यूज टू डू दैट। और ये जो है वो हमारा स्टेज है जहाँ पे अभी फ़िलहाल कराटे सीख रहे, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारा फैंसी ड्रेस होता था। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हियर एंड मेरा स्कूल देख रही हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट, सीरियसली। ये स्कूल पे मैंने बहुत सारे फैंसी ड्रेस डांस बहुत ज़्यादा ड्रामा ये वो सब किया हुआ है, सो आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर। वैसे का वैसे ही, कोई भी चेंजेस नहीं है, आई एम हैप्पी फॉर दैट। स्कूल पुरानी हो गई है बट मैं बहुत खुश हूँ। सो ये रिसेप्शन, यहाँ पे फीस वगैरह भरते थे हम, तो मैं जा रही हूँ ऊपर स्टेयर्स पे। आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू विजिट माय क्लास एंड सो ये हमारे क्लासरूम्स है, यहाँ पे टेरेस। सो मैं सिक्स फ्लोर पे रहती थी, वहाँ पे वॉशरूम है एंड यूजुअली ये क्लास में हम ज़्यादा आया करते थे। सो स्कूल पूरी बंद है, सो फाइनली आई एम हैप्पी आई एम हियर विद माय स्कूल का इसमें। आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू गॉड फॉर शोइंग मी दिस डे। टुडे माय चाइल्ड इज प्लेइंग हियर, आई एम रियली वेरी हैप्पी। स्पेशली दिस वाज माय फेवरेट कॉर्नर, मैं यहाँ पे मम्मी का या किसी का वेट करती रहती थी। और यही गेट है जो गेट के बाहर है ना, आई यूज़ टू वेट क्योंकि मैं हमेशा लेट हो जाती थी स्कूल के लिए। आई एम रियली हैप्पी कि मैं अपना स्कूल इतने सालों बाद देख रही हूँ। आई रियली मिस दिस गेट।
तो मेरी स्कूल है ना छूटती थी और यहाँ से कम फ्रॉम क्लास से छूट के आते थे और वो कैंटीन पे वहाँ पे लगा हुआ रहता था। आई एम सो हैप्पी टूडे, आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई एम एट माई स्कूल। यहाँ पे बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखा रहता था हमेशा एंड वहाँ पे इनसाइड देर इज़ अ हॉल और यहाँ पे आई यूज टू सेट हियर फॉर लॉट ऑफ मतलब बहुत टाइम तक बैठी रहती थी जब तक मम्मी नहीं आ जाती थी मेरी और टीचर्स भी छोड़ते नहीं थे हमें। सो आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी कि आई एम हियर। सो आई रियली मिस दिस गेट बिकॉज यहाँ पे ही हम लोग को लेट कमर हो जाते थे तो यहाँ पे ही हम वेट करते थे एंड बिकॉज ऑफ माई ब्रदर मैं हमेशा लेट होती थी स्कूल के लिए एंड यहाँ पे हम वेट करते थे फिर प्रेयर्स के बाद हमें अंदर छोड़ देते थे। सो दिस वॉज अ गेट, आई रियली मिस्ड इट। मतलब आई कैन टेल यू, आई कैन इवन इमेजिन कि मैं आज मेरे स्कूल के अंदर हूँ एंड आफ्टर सो लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई एम हियर, आई एम रियली वेरी हैप्पी। आज ये दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए मेरे स्कूल के यहाँ पे। सो सम पीपल गॉट वेरी इमोशनल टुडे, काफ़ी टाइम के बाद स्कूल आए हैं, स्कूल का मेमोरीज जो है काफ़ी अच्छा रहता है एंड वेट सम पीपल उनके जो आंखों से बहुत सी चीज़ें मालूम पड़ रही है आज तो। सो हाउ यू आर फीलिंग टुडे? ओह गॉड, मैं पता है वहाँ पे 6th फ्लोर पे थी मेरा क्लासरूम तो रोज़ इतना चढ़ के आने का इसलिए मैं एक्स्ट्रा समोसा बाउंस खाती थी कि तो उतनी ताकत मिले जाके आए। So some people got very emotional and ज़्यादा रुला क्या मतलब नहीं किसी को भी। Hope you like the video and thanks for watching. So ये गेट से ना वो वड़ा पाव वाले अंकल को ना हम पैसे देते थे फॉर ईटिंग स्नैक्स, तो ये वड़ा पाव यहाँ से हमें देते थे तो ये अभी भी वहाँ पे है विच इज़ अ ग्रेट पार्ट, नहीं तो हम उधर सामने जाके बैठा करते थे। फाइनली अभी हम आ गए हैं जू बीच एंड यहाँ पे रिलैक्स चिल होके बैठ रहे हैं एंड हाँ एक चीज़ हो गया, ओला में हमने समोसा जो है गुरु कृपा से पार्सल लिए थे फॉर फैमिली पीपल, ये बैग वो ओला में ही भूल गए। यस सो नाउ इट्स लाइक वी विल टेक अ पाव भाजी फॉर होम पीपल एंड गो होम। समोसा तो अभी मिलने से रहे बिकॉज आई रियली फील बैड कि यू नो ओला का इतना नाम है बट एक कस्टमर केयर वाले नहीं है विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, इट्स वेरी अनोइंग जब भी आपको कोई चीज़। थैंकफुली मेरा कोई बैग या यू नो सेलफोन नहीं रह गया, हाउ कुड आई बीन कॉन्टैक्टिंग दिस पीपल, इट्स लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप मेल भेजोगे तब तक तो यार गाड़ी कहाँ की कहाँ चली जाएगी, सो दिस इज़ नॉट फेयर। आप एक कस्टमर केयर एटलीस्ट रखो तो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस, यू नो नहीं तो इतनी ज़्यादा सर्विस आप दे रहे हो लेकिन थोड़े से चीज़ की वजह से इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक एंड यू नो ऐसे ही उबेर के टाइम पे भी हुआ था, मेरा तो सेलफोन ही घूम गया था, लेटर वाया कैसे मैंने कॉन्टैक्ट किया एंड फिर सेलफोन तो मिला नहीं, बट यू नो एट दैट टाइम ही अगर मिल जाता तो दो तीन दिनों को रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा हैंडबैग उसमें वो रह गया एंड आई डोंट नो आई विल एबल टू कॉन्टैक्ट दैट ड्राइवर और ऑल्सो और नॉट, पता नहीं, मुझे नहीं पता। एंड यू नो ओला बुक करने पे ड्राइवर का नंबर आता है बट वही ओला की राइड ख़त्म हो जाती है तो ड्राइवर का नंबर आप डायल नहीं कर सकते हो वापस, सो विच इज़ प्रिटी अनोइंग। सो यू नो आइदर देन कॉलिंग अ कस्टमर सर्विस सेंटर मैं डायरेक्ट ओला के ड्राइवर को कॉल करूँ एंड उससे वो चीज़ ले लूँ अपनी तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए तो वो चीज़ नहीं है तो इट्स वेरी अनोइंग फॉर मी।
एंड आई एम वेरी इरिटेटेड बट आई केम डाउन इन सर्टन काइंड ऑफ एटमॉस्फियर कि अभी मैं थोड़ी चिल होके बैठी हुई यहाँ पे एंड आराम से बैठ के अभी चलो गया तो गया, कोई नहीं किसी के पेट में ही चला जाएगा दैट समोसास. इट वॉज इन नॉट आर लक बट वी रियली एन्जॉयड ओवर देयर जाके जो हमने खाया है. रेस्ट इज हिस्ट्री. सो अभी मेरे हस्बैंड जी करा रहे मसाज, उनको बहुत स्ट्रेस हो गया है एंड आई एम सिटिंग हियर. देन वी आर गोइंग टू गो एंड हॉक समथिंग एंड उसके बाद घर जाएंगे. सो फिलहाल ईबू तो बहुत मज़े से खेल रही है यहाँ पे. आई वा, व्हाट आर यू डूइंग? What are you doing, Eva? मस्सी मस्सी फुल ऑन मस्सी. आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? आपको मजा आ रहा है यहाँ पे इवा? गिरेगा. मम्मा के ऊपर मत डालो इवा. चले इवा, चलो चलो जाना अभी.